सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में एक गर्भवती महिला ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने एक बेटा और दो बेटियों को जन्म दिया। महिला सहित तीनों बच्चे स्वस्थ है और महिला अपने तीनों बच्चों के साथ अस्पताल के गायनी वार्ड में स्वास्थ्य लाभ ले रही है। जानकारी के अनुसार जिला सिरमौर के नैना टिक्कर के सीमावर्ती गांव देवकोठी की रहने वाली नेहा शर्मा पत्नी रामकृष्ण ने तड़के प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती हुई। इसके बाद डॉक्टर की देखरेख में महिला की नॉर्मल प्रसव करवाया गया। महिला ने एक के बाद एक करके तीन नवजात को जन्म दिया। इसको देखकर डॉक्टर व नर्स और प्रसव कक्ष में मौजूद अन्य लोग दंग रह गए। अस्पताल में एक साथ महिला द्वारा तीन बच्चों को जन्म देना शहर में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। वहीं वैज्ञानिक तकनीक के अल्ट्रासाउंड में इस महिला के दो बच्चे एक साथ होने की बात कही थी, लेकिन आज उस महिला ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म देकर यह साबित कर दिया कि भगवान की कुदरत के आगे सब बोने हैं। वहीं बच्चों के परिजनों ने बताया कि उन्हें खुशी है कि उनके घर में एक साथ तीन तीन मेहमान आए हैं और उनमें से दो कन्याएं भी हैं। उन्होंने इसे कुदरत का करिश्मा बताया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व चिकित्सकों ने अल्ट्रासाउंड देकर दो बच्चों की बात कही थी, लेकिन तीन बच्चे एक साथ हुए हैं तो वह इसे कुदरत का करिश्मा मान रहे हैं। हमें बहुत अति खुशी है कि लोग जो हैं वो बच्चों के लिए तरसते हैं और हमारे पास पहले भी एक बेटा है और आज जो है हमारे को जो डॉक्टरों ने जो बताया था वो बताया थे दो बच्चे, लेकिन दो की जगह तीन। हाँ, ये जरूर है कि अल्ट्रासाउंड जब किया था उसमें दो बताए थे, तो दो की जगह तीन। अब ये तो ऊपर वालों का करिश्मा है कि क्या हो गया। और हमें खुशी है बच्चों की भी, हमारे चार बच्चे हैं, दो लड़के और दो लड़कियां। लड़कियों की भी खुशी है और लड़के की भी। हम सबको बराबर रखना चाहते हैं, हमको यही खुशी है। क्या चमत्कार मान रहे हैं आप? हाँ, तो भगवान की कृपा से ही हुआ जो कुछ हुआ। वहीं चाइल्ड स्पेशलिस्ट चिकित्सक विपिन इस बारे में बताते हैं कि उनके अस्पताल में तीन बच्चे एक साथ हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी तीनों बच्चे ठीक हैं, बच्चों में कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब इसे कुदरत का करिश्मा मानने से मना कर रहे हैं। यहाँ पर आज ट्रिपलेट है, तीनों के वेट अच्छे हैं, 1.5 से ऊपर है, एक 1.7, एक 1.9, एक 2 के आसपास है और तीनों बच्चे स्टेबल है। रीजन तो ये हो सकता है या ओवुलेशन वो हुआ है या आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके रीजन हुए, उसके बाद ही ट्रिपलेट हुए। नहीं साइंस तो बच्चे तो तीन ही हुए हो गए ना, पहले तीन ही थे तभी बात तीन है, या अल्ट्रासाउंड में या तो उस टाइम कुछ रहा होगा। अब ये तो वही बता सकते हैं क्या। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।